प्रतापगढ़ की अरनोद पुलिस ने गौ तस्करों पर कार्रवाई की है। जहां पुलिस ने एक पिकअप से 8 बैलों को मुक्त करवाकर गौशाला भिजवा दिया, तो वहीं इस दौरान एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस दौरान एक आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने पिकअप को जब्त कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं पुलिस के अनुसार नाकेबंदी के दौरान वाहन चालक ने नाकाबंदी भी तोड़ने का प्रयास किया। आज रात्रि को 2022 को रात्रि में नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप एमपी पासी के संबंध में मुखबिर सूचना मिली थी, जिसमें गाय के बछड़े भरे हुए हैं। तो उस पर नाकाबंदी की नाकाबंदी के दौरान उस गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की, तो गाड़ी वाले ने नहीं रोककर चालक ने गाड़ी को भगाने की कोशिश की। इस भगाने की कोशिश में नाकाबंदी के दौरान ही कार को चेक किया जा रहा था, उस कार की लेफ्ट साइड उसने टक्कर मार दी। उसके बाद में गाड़ी को भगाया, जिसको हमारी जाप्ता ने पीछा करके उस गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी को रुकवा कर ड्राइवर को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद में गाड़ी को चेक किया तो उसके अंदर एक पार्टीशन बना के, लकड़ी का पार्टीशन बनाकर बीच में 8 बछड़े भरे हुए थे, जिसको कुर्ता पर भरा गया था और इस तरह से बांध रखा था, जिस पर गोवंश अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर गाड़ी को जब्त किया गया है और बछड़ों को गौशाला प्रतापगढ़ में को सुपुर्द किया गया है। और चालक तालीम उर्फ शाहरुख, पिता नारू निहालगढ़ मुसलमान, बर्तनगंज थाना बिपलिया मंडी जिला मंदसौर एमपी को गिरफ्तार कर पूछताछ किया जा रहा है कि उसने ही बछड़े कहां से भरे थे।